हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जानेंगे स्टैक क्या होता है। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फ्लो अ पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर प्रीफॉर्मेड। द ऑर्डर में वी लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट के थ्योरी पर वर्क करता है। वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है, जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है, तथा जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। तो स्टैक में किसी आइटम को डालने, ऐड तथा रिमूव के लिए सिर्फ एक एंड होता है जिसे हम टॉप एंड कहते हैं। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश सेकेंड, फर्स्ट है पुश, सेकेंड है पॉप। पुश और पॉप। तो पुश, जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो पुश ऑपरेशंस कहते हैं, तथा जब स्टैक में आइटम को डिलीट किया जाता है उसे पॉप ऑपरेशंस कहते हैं। तो स्टैक में हम तब ओवरफ्लो कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, जब पूरी तरह से खाली होता है उसे अंडर फ्लो कहते हैं। एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं स्टैक का। जब आप किचन में जाते हैं तो आपको जो है प्लेट्स लेनी होती हैं, तो प्लेट्स क्या होते हैं प्लेट्स एक पर एक रखा होता है। तो जो प्लेट सबसे लास्ट में आप रखा होगा उसे आप पहले उठाते हैं, और प्लेट सबसे पहले उठाते हैं हम, उसके बाद में नेक्स्ट प्लेट सबसे नीचे रखी गई प्लेट सबसे बाद में उठाई जाती है। तो सबसे बाद में उठाई जाने वाली प्लेट को बेस प्लेट कहा जाता है। स्टैक के कुछ फीचर्स भी हैं। यह एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसका कोई फिक्स साइज नहीं होती है। यह एक फिक्स अमाउंट पर मेमोरी खर्च नहीं करता है, और स्टैक का साइज पुश ऑपरेशंस एंड पॉप ऑपरेशन के बाद ही चेंज होता है। पुश स्टैक में एक आइटम ऐड करता है, अगर स्टैक फुल होता है तो उसे ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। अगर पॉप स्टैक से एक आइटम को रिमूव करते हैं, इसे हम क्या, कोई भी आइटम को हम रिमूव करते हैं तो स्टैक खाली होता है, और इस अंडरफ्लो कंडीशन, इसे जो है अंडरफ्लो कंडीशन कहते हैं। एक होता है पीक और टॉप, जो टॉप एलिमेंट को एक्सेस करता है। इज इम्पटी होता है, अगर स्टैक खाली होता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स वैल्यू देता है। अब देखेंगे इसकी जो है डायग्राम। तो यहां से वन से लेकर सिक्स तक, 1 2 3 4 5 6 एक वैल्यू स्टोर है, और कंप्यूटर मेमोरी में डेटा भी इस बॉक्स की तरह स्टोर होता है, और हर बॉक्स में एक डेटा भी इस बॉक्स की तरह ही स्टोर होता है, और एक हर बॉक्स में एक एड्रेस वैल्यू होता है जो कि यहाँ पे आपको 1001 1002 इस बॉक्स की अपनी एड्रेस है। स्टैक का यूज बहुत जगह किया जाता है।